बेटी राजवाला, बेटी मेरे जिगर के टुकड़े रोए मत। ये दिन तो सब बाप के सामने आता है, सब बेटी के सामने आता है। एक दिन सभी बेटी को बाप का घर छोड़ के जाना पड़ता है। बेटी राजवाला, बेटी मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। मेरी बेटी रोवे मत तू, मत तू। बेटी ले आशीर्वाद मेरा, जा रही हो अटल सुहाग तेरा, जो बना निभाया फर्ज मने, बसिया गए बेटी भाग तेरा। बेटी ले आशीर्वाद मेरा, बेटी कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरी संतान दुखी रहे, लेकिन कभी कभी बेटा बेटी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। बेटी जिस घर में कदम पड़े तेरे, वहां लक्ष्मी का प्रकाश रहे। सास सुसर पति की सेवा करिए जब तक घट सांस रहे। भगवान करे रहे हरा भरा, भगवान करे रहे हरा भरा, गुलजार लाडली बाग तेरा, जो बना निभाया फरज मने, बस आगे बेटी भाग तेरा। बेटी ले आशीर्वाद मेरा, खानदान की इज्जत जुड़ी हुई होती है। अतः सब की बेटियों को पराए घर पिया के घर जाकर इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। बेटी तू बड़े दुखों से पाली है, बस माँ का दूध लजई ना, खानदान में जन्म लिया तू उसके दाग लगई ना। चाहे कितने ही कष्ट मिले बेटी, पर रह दामन बेदाग तेरा, जो बना निभाया फरज मने, बस आगे बेटी भाग तेरा। बेटी ले आशीर्वाद मेरा,
का टुकड़ा। मैंने कुछ गुस्से में कह दिया हो तो उसका ख्याल मत करना। राखी जाती है घर में बेटी तो चीज पराई हो। उस मात पिता का क्या जीना, ससुराल दुखी जिसकी जाई हो। कब बेटी तेरी शादी हो, दिन रात रहता बैराग तेरा। जो बना निभाया फर्ज मने, बस आ गए बेटी भाग तेरा। बेटी ले आशीर्वाद मेरा। बात से घबराना मत लागे, तुझे तीज त्योहार पे बुलवा लूं। मत ना बेटी घबराई है तू, जिस लायक हूं हाजिर पाऊं। पड़े तो आ जाइए सू। श्री राम पाल ये दुआ करे, ये सोया भाग जा जाग तेरा। जो बना निभाया फर्ज मने, अब आगे बेटी भाग तेरा। बेटी ले आशीर्वाद मेरा। ये रहियो अटल सुहाग तेरा, जा रहियो अटल सुहाग तेरा, जा रहियो अटल सुहाग। राजबाला, प्रिय राजबाला। हाँ जी। सबसे पहले तो तू मुझे ये बता कि देख, हमारी तेरी शादी तो हो गई है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि तू एक राजकुमारी है जिसके महल में मखमली फर्श, 36 प्रकार के भोजन, ठाट बाट और मौज मस्ती थी, लेकिन मेरी तो ये टूटी फूटी झोपड़ी है, टूटी सी खाट है, चटनी रोटी। क्या मेरे साथ में खुशी से गुजारा करोगे? पियाजी, शादी के बाद तो महल तो, हवेली तो, 36 प्रकार के भोजन तो, सब बस पिया ही हुए है। देखे राजबाला, ये एक भारतीय नारी की पहचान है कि जो अपने पति के धर्म को अपना धर्म समझती हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर के तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। पियाजी, जिस भी हाल में आप रखोगे ना, मैं उसी हाल में रहने को तैयार हूँ। ठीक है, तो अब तू ये घूमटा हटा, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में ये पर्दा कैसा? ना जी, मुझे तो शर्म आवे है। अच्छा, शर्म की तो यहाँ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो और कोई दूसरा आदमी भी नहीं। घर में या तो तू है या मैं हूँ। और जरा मेरी बात ध्यान से सुन। सुना दो। घूंटा हटा दिखा दे गोरी चांद सा चेहरा। आवे से पिया शर्म उठाइए ना पर्दा मेरा।
हटा हटा दिखा दे गोरी चांद सा चेहरा। आवे से पिया शर्म उठे ये ना पर्दा मेरा। ये गोरी घूंघट खोल दिखा ओ पिए ना ना ना। ये गोरी घूंघट खोल दिखा ओ पिए ना ना ना। ब्याह होगा अब ना घूंघट का काम है। तू दिखलाई करी नहीं अब तुझे नहीं सही नाम है। तेरा मेरा ब्याह होगा अब घूंघट का के काम है। तू दिखलाई करी नहीं अब तुझे नहीं सही नाम है। मुँह दिखलाई तो ले मुँह दिखलाई दे तुम्हें कैसी दे रहा हूँ तुम्हें। जीवन तेरे हवाले करता जीवन तेरे हवाले करता मैं और के ले रहा। ऐसी मुझे खिलाई करी हृदय गदगद मेरा। जीवन तेरे हवाले करता मैं और के ले रहा। ऐसी मुझे खिलाई करी हृदय गदगद मेरा। देख मन फूल सा खिला ओ भंवरिया। देख मन फूल सा खिला बात और बताना जरा। छनो पे वो जो लंबी सी लड़की थी वो कौन थी पिया जी? हाँ? उसमें तो बहुत सारी मेरी सखी सहेली थी। अच्छा कौन सी की बात कर रहे हो? जिसका सूट बैंगनी सलवार वाली कौन तेरे धोरे खड़ी थी। सलवार वाली कौन तेरे धोरे खड़ी थी। माती तेरी छोटी साली असली फूल झड़ी थी। घनी मसखरी करे थी मेरे से घनी मसखरी करे थी दिलिये घाल कर गिरा। हीरन धार पिया तुझे तो मुट्ठी में ले रहा। रे गोरी मन की बात बता बैठ पिया। रे गोरी मन की बात बता बैठ पिया। और एक बात और बताना जरा। पूछ लो पिया जी। आरते पे जब जूते लकोए थे ना। हाँ जी। तेरी कई सखियां थी। हाँ। तेरी कई बहन थी। हाँ जी। उनमें से किसी ने मुझे नोच सा लिया था वो कौन थी? पिया जी आप भी कैसी बात करो हो? बता दूंगी पूछ लो। आरते पे किसने मेरा पिन सा चुभोया था। माती सरला ताऊ की बेटी जूता भी चुराया था। आरते पे किसने मेरे पिन सा चुभोया था। माती सरला ताऊ की बेटी जूता भी चुराया था। उसकी चाल ऐसी थी जाने उसकी चाल ऐसी थी जाने कुदे बछेरा। हटा दिखा दे गोरी चांद सा चेहरा। आवे से पिया शर्म उठे ये ना पर्दा मेरा। ले गोरी और कोई बात बता तुझ पिया। ले गोरी और कोई बात बता तुझ पिया। और जी तुझे एक बात और बता रहा हूँ मैं। हाँ जी। यहाँ हमारे गांव में बहुत ही पर्दे में रहा जाता है बहू बेटी। और जो काम गली के कायदे खानदान के होते हैं वे सब रीत निभाई जाती है। जरा ख्याल रखना पिया जी तुम चिंता ना करो। अच्छा हाँ। जो हमारे काम के कायदे हों वे सारे निभाइए। हमारे गांव के कादे हो वे सारे निभाइए। भूल चूक कोई हो जा तो पिया जी समझाइए। सुगड़ वीर घर में आ जा तो सुगड़ वीर घर में आ जा तो मिट जा अंधेरा। मन्नू हो गया पार जिन्हें शिव नाम हरी तेरा। देख मन
सा खिला ओ पिया, देख मन फूल जू खिला ओ कमरिया, देख मन फूल सा खिला प्रेमी दोस्तों, शादी को दो दिन गुजर जाते हैं और हर रोज रात के समय अजीत सिंह अपनी कटार को सेज के बीच में गाड़ करके और सो जाया करता था। जब दो दिन बीत गए तो अब तो राजबाला से ये असहनीय बात अब सहन नहीं हो पा रही थी और जैसे ही कटार सेज पर रख करके अजीत सिंह बाहर चला जाता है तो राजबाला कटारी से क्या कहती है और उसके हृदय में क्या क्या भाव जागृत होते हैं उस कटारी को देख करके। हे कटारी, इस कोठरी में अब मेरे और तेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है। आज तीसरी रात मुझे आई को हो गए, तू सारी रात क्यों पहरा देती है? तेरा काम तो युद्ध में होता है, तू अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों करती रही है? मेरे पिया ने मुझे और अपने पिया को मैंने तेरे डर, केवल तेरे डर से ही एक दूसरे तक को छुआ भी नहीं, आखिर क्यों? मेरी स्थिति तो उस मुरझाए हुए फूल की सी है जिससे बाग का माली रूठ गया हो, और उस भक्त की सी जिससे उसका देवता नाराज हो गया हो। मेरे दिल की धड़कन की साज की आवाज को तो सुन, ये क्या कह रही है? भेद मुझे कुछ बता कटारी, क्यों तू पड़ी बीच में मारे मेरी, बता कुछ खता कटारी। कई दिनों से देख रही हूँ, भेद मुझे कुछ बता कटारी, क्यों तू पड़ी बीच में मारे मेरी, बता कुछ खता कटारी। Thank you.
राजबाला, देख अब रात भी काफी हो गई है और मुझे उठना भी जल्दी है, तो अब हमें सो जाना चाहिए। और देख ये तलवार है, बेचारी मेरी जिंदगी का आधार है, मेरे शरीर की रक्षा भी यही करती है और मेरे धर्म की रक्षा भी यही करती है। लेकिन पियाजी, मेरी तो ये दुश्मन है। नहीं, ऐसा मत कहना। एक छत्री के हाथ में तलवार वैसी ही होती है जैसे आदमी के कंठ में मधुर वाणी, जैसे स्त्री के शरीर पर सुंदर गहने। और यदि कोई आदमी गूंगा हो या किसी स्त्री पर गहने ना हो, तो वो आधा ही आदमी या स्त्री है, पूरा नहीं। ऐसे ही तलवार के बिना छत्री आधा ही है, केवल आधा। लेकिन पियाजी, यदि कोई खेत में काम करते समय स्त्री सारा ही श्रृंगार करती है, तो उस समय उनके गहने की कोई शोभा नहीं होती। और जैसे माला की शोभा मंदिर में होती है, खेत में नहीं, ऐसे ही लाठी की जरूरत खेत में होती है, मंदिर में नहीं। और ऐसे ही तलवार की शोभा, बस बस, तलवार की जरूरत युद्ध में होती है, दुल्हा दुल्हन की सेज पर नहीं। ज्यादा बहस करना ठीक नहीं होता राजबाला। ये तलवार सेज पे है और सेज पे ही रहा करेगी अभी कुछ दिन। लेकिन कब तक? कुछ सालों तक तो अवश्य रहेगी। लेकिन पियाजी, ये लग भी सकती है, जख्म हो सकता है, खून भी लग सकता है। लेकिन ये तभी लगेगी यदि तू इसके पास आएगी तो। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? क्या मैं आपके साथ शादी करके कोई गलती की है? क्या मेरे से कोई अपराध हुआ है? और अगर मेरी किसी बात से आप नाराज हैं, तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांव पकड़ती हूँ, नहीं, नहीं। आपसे माफी मांगती हूँ पियाजी। नहीं राजबाला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पियाजी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तलवार नहीं ओ धर्म का कंटा, सुन दे मेरी प्याही। हाँ, क्यों धरली तलवार बीच में, पिया नहीं समझ में आई। तलवार नहीं ओ धर्म का कंटा, सुन दे मेरी प्याही। तलवार नहीं ओ धर्म का कंटा, छाती में लगी भिरगुवाड़ी सिलात मेरी। के बुझे छाती में लगी भिरगुवाड़ी सिलात मेरी। उठा म्यान में धर लेने के, उठा म्यान में धर लेने के, करनी पिया लड़ाई। घट जा धर्म कति बाला जो या तलवार उठा। तलवार नहीं ओ धर्म का कांटा, सुन ले मेरी प्याही।
सांस में ना चुके धूल चट्टाने ते हजार सेठ का कर्जा ना जी पीने खाने में 30,000 सेठ का कर्जा ना जी पीने खाने में 20,000 की खातर मेरी 20,000 की खातर मेरी जानी बलि चढ़ाई देख कर्जा सेठ ने बाला करड़ी शर्त लगाई कांटा सुन ले मेरी प्याही तलवार नहीं ओ धर्म का कांटा सुन ले मेरी प्याही राजबाला तुझे इस बात का पता नहीं कि शादी में मुझे 20,000 रुपए खर्च करने पड़े हैं और वो 20,000 रुपए मैंने एक सेठ से उधार लिए हैं और उस सेठ ने एक ऐसी शर्त लगाई है कि उस शर्त के मुताबिक मुझे ये तलवार बीच में रखनी पड़ी। अब तुम आगे ना पूछो तो बेहतर है। पिया जी, कौन सी शर्त लगा दी सेठ जी ने? आपको बताना तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो बताता हूँ। पत्थर का दिल करके सुन कदे रोवे दे किलकारी दिल ते दूर समझिए मत ना मैं पतिव्रता नारी जब तक कर्जा रहे सेठ का जब तक कर्जा रहे सेठ का मैं न्यारा तू न्यारी जाना उतरे हम रहे बहन और भाई क्यों धर ली तलवार सेठ पे नहीं समझ में आई तलवार नहीं यो धर्म का कांटा सुन ले मेरी प्याही तलवार नहीं यो धर्म का कांटा सुन ले मेरी प्याही तने ना धीर बंधाई पाला चाहियो सत्यानाथ सेठ ने चाहियो सत्यानाथ सेठ ने लगा दिया किस ताला नहीं राजबाला नहीं उस सेठ जी ने तो मेरे ऊपर एहसान किया है कर्जा दे करके उसको कोई बुरे वचन ना बोलना नहीं पिया जी मैं तो इसी तरह से कहूंगी इस सेठ ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया नहीं नहीं ऐसा नहीं कहूंगा जय हो सत्यानाथ सेठ ने लगा दिया किस ताला बिना चुकाए सेज चढ़ूना बंधा धर्म का पाला बिना चुकाए सेज चढ़ूना बंधा धर्म का पाला धर्म तजे तेरी दुनिया कर बंडाई क्यों धर ली तलवार बीच में नहीं समझ में आई तलवार नहीं ओ धर्म का कांटा सुन ले मेरी प्याही तलवार नहीं ओ धर्म का कांटा सुन ले मेरी प्याही राजबाला अब तेरी समझ में बात आ गई होगी कि मैं तलवार सेज पर क्यों रखता हूं
क्योंकि तेरे पिता ने मेरे से 20,000 रुपए लेकर के ये शादी रचाई है। कर्ज लेकर के आया था, जिसने ये शर्त लगाई थी कि जब तक तुम मेरा कर्जा नहीं उतारोगे तो तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के भाई बहन जैसे संबंध रहेंगे। तो ठीक है पियाजी, अगर ऐसी ही बात है तो संकट की इस घड़ी और परीक्षा की घड़ी में मैं आपका साथ दूंगी। तो एक काम कर जल्दी से जल्दी, ये पैसा कमा करके उनका हमें वापिस देना है, और अब मेरा खाना तैयार कर दे, मैं कहीं ना कहीं फौज में जाकर के भर्ती होऊंगा। ना जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूं। अब तू एक नया बीज बोएगी, तुझे संभालूंगा या नौकरी करूंगा? मन्ने क्यों संभालोगे, मैं भी नौकरी करूंगी। नौकरी करेगी? हाँ, इतने अचंभे में क्यों पड़ गया? पहली तो बात ये कि मैं बेटी किसकी हूँ। अच्छा। और फिर ये सोच कि मैं पत्नी किसकी हूँ। अच्छा। और फिर छत्राणी हूँ, छत्राणी। अरे तू छत्राणी पत्राणी कुछ ना है। अच्छा, मुझे पिटवा के बैठेगी ना। और मैं 5-7 गांव के छोरे बुला के ला रहा हूँ। हाँ। तुझे वे ही समझावेंगे, बड़े छोटे ला रहा हूँ। जा जल्दी बुला ला तो। अच्छा हाँ ठीक है। मर्दों का काम फौज में कोना काम लुगाई का, कर मर्दाना भेष चलूंगी घर के में सिपाही का। है मर्दों का काम फौज में कोना काम लुगाई का। तेरे बस की बात नहीं है, वहां क्यों परेशान हो रही है तू जाकर? अफसर परेड करावेगा तू ठुमके खड़ी लगावेगी, जब अफसर परेड करावेगा तू ठुमके खड़ी लगावेगी। दुश्मन पे धावा बोलूंगी मैं, दुश्मन पे धावा बोलूंगी, कर बंदूक उठावेगी। तू कितके गोले दागेगी, नैनो की रफल चलावेगी, कितके गोले दागेगी, नैनो की रफल चलावेगी। उसी तकी ढाई साथ दूं, उसी तकी ढाई साथ दूं, जीनन दिखे भाई का। कोई रावण ठाक ले जागा, कोई रावण ठाक ले जागा, रोना रह जा रघुराई का। रावण ठाक ले जागा, रोना रह जा रघुराई का। सै मर्दों का काम फौज में कोना काम लुगाई का, सै मर्दों का काम फौज में कोना काम लुगाई का। और राजमाला तेरे लिए तो और भी बहुत परेशानी है, तू फौज की नौकरी बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा पियाजी, इस हिरस को बिल्कुल छोड़ दे मन से। इनको कहाँ छिपावेगी तू, इनको कहाँ छिपावेगी, ये प्रेम रूप के चसे दिया, ये प्रेम रूप के चसे दिया। मैं छाती ऊपर गोली पेटी कस के बांधू मेरे पिया। जब रणभूमि का बिगुल बजे, जब रणभूमि का बिगुल बजे, कह रजो सला काटे में हुआ, कह रजो सला काटे में हुआ। जैसे फूल धूप में मुरझा जाता, जैसे फूल धूप में मुरझा जाता, गाती है तिरिया जाई का। छुटा दिए
का काम खोज में कोना काम लुगाई का, से मर्दों का काम खोज में कोना काम लुगाई का। सावन फागण के महीने में तू खुरिया धरती काटेगी, सावन फागण के महीने में तू खुरिया धरती काटेगी। बज्जर किसे हृदय करके बाला दिले डाटेगी, जो आग फूस के धोरे रह तो आग फूस के धोरे रह तो नहीं बढ़नते नाटेगी, आग फूस के धोरे रह तो नहीं बढ़नते नाटेगी। रफल ठान का काम नहीं, रफल ठान का काम नहीं, वीरों की नरम कलाई का। कर मर्दाना भेस चलूंगी करके भेस सिपाही का, है मर्दों का काम फौज में कोना काम लुगाई कहाँ, है मर्दों का काम फौज में कोना काम लुगाई का। फौजी ने पड़ गई जांच तो हाथ मेरे ना तू आनी, फौजी ने पड़ गई जांच तो जान पे आफत पड़ जानी। पिया जोश गात में भर देती, पिया जोश गात में भर देती, खाकी वर्दी मर जानी। नदी नाले पहाड़ झाड़ में हाथ पकड़ पड़ जा ठानी, नदी नाले पहाड़ झाड़ में हाथ पकड़ पड़ जा धानी। करम पाल मत ना नाटे तू, करम पाल मत ना नाटे तू, कहन पुगा दे प्याही का। गुरु जय सिंह मत छोड़ अकेली, समय बड़ा कर डाई का। कर मर्दाना भेस चलूंगी हर के भेस सिपाही का, है मर्दों का काम फौज में कोना काम लुगाई कहाँ, है मर्दों का काम फौज में तो कोना काम लुगाई कहाँ। इस प्रकार से पत्नी राजबाला की जिद करने पर अजीत सिंह उसे परदेश में लेकर चलने को तैयार हो जाता है। अब राजबाला लड़के के भेष में थी और उसका नाम गुलाब सिंह रख लिया गया और तय किया गया कि दोनों साले बहनोई का रिश्ता बताएंगे परदेश में। राजबाला जो अब रिश्ते में अजीत सिंह का साला बन गया, अब एक पुरुष की तरह से ही बोलचाल शुरू कर देता है और वे दोनों उदयपुर के राजा जगत सिंह के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और फौज में नौकरी करने लगे। राजा जगत सिंह ने दोनों को फौज में भर्ती कर लिया। नौकरी करते करते दशहरे का दिन आ गया। राजा कई फौजी जवानों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए जाता है, लेकिन जंगल में हाथी पर बैठे हुए राजा पर एक शेर ने हमला बोल दिया। अचानक तूफान भी आ गया, सभी साथी बिछड़ गए। ऐसी स्थिति में गुलाब सिंह ने शेर को मारकर राजा की जान बचाई। अब तो राजा ने खुश होकर गुलाब सिंह को इनाम भी दिया तथा दोनों साले बहनोई की रात को ड्यूटी अपने महल के फाटक पर लगाई। आधी रात से पहले गुलाब सिंह जागता था और बाद में अजीत सिंह। लेकिन सावन का महीना है, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही हैं, तो अचानक राजबाला के मन के सागर में प्रेम की लहर उठने लगी, ज्वार भाटा सा उठने लगा। अपने पति प्रियतम चंद्रमा की ओर उठता हुआ किस प्रकार से उभर रहा है। साजन, आज हमें नौकरी करते करते साल भर हो गया और अब तक हम 2000 रुपए ही जोड़ पाए हैं। इस प्रकार तो सेठ का कर्ज उतारने में हमें 18-20 वर्ष लग जाएंगे। नहीं राजबाला, इतना समय नहीं लगेगा।
राजा ने हमारी तनख्वाह पहले से बढ़ा दी है। शेर मारने के बाद से तेरी तनख्वाह तो मेरे से ज्यादा ही हो गई है। अच्छा, और अगर मैं भी कोई बहादुरी का करिश्मा दिखा दिया तो मेरा पैसा भी बढ़ जाएगा और कर्जा जल्दी ही उतर जाएगा। घबराना नहीं चाहिए इंसान को, ये जीवन है एक युद्ध के समान होता है और ये संघर्ष कठिनाइयां इनसे तो जूझना ही पड़ता है। पियाजी, क्या आपने किसी यौवना के विवाह के पूर्व के सपनों का ख्याल किया है? वह विवाह के बाद जो अपने संसार का महल बनाती है और अगर वह किसी संकट के भूकंप में एक ही झटके में धाराशाही हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है? तुम क्या कहना चाहती हो राजबाला? पियाजी, उसकी कुछ इच्छाएं, कुछ कल्पनाएं, आशाएं और मधुर मधुर धारणाएं होती हैं। काश मेरी तरह किसी भी लड़की के सपनों का संसार ना उजड़े। राजवाला, थोड़ा धीरज तो रखो। क्या आपने उस सूरजमुखी के विषय में सोचा है जो सूर्योदय के इंतजार में खिलने के लिए बेताब हो लेकिन काले बादल सूरज के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो? क्या आपने उस पपीहे के विषय में सोचा है जो साल भर इसलिए प्यासा रहता है कि कब बादल बरसें और कब मैं आकाश में एक बूंद पानी पीकर प्यास बुझाऊं? क्या आपने उस विरहन की आंखों में दहकती हुई आग को देखा है जिसका पिया परदेश गया? बस हुआ? बस राजबाला, बस करो। तुम्हारे शब्दों के ये बाण मेरे हृदय को बींधते जा रहे हैं। लेकिन पियाजी, मेरी स्थिति भी वैसी ही है जो मैं आज इस सावन की मदमाती रात्रि में बयान करना चाहती हूँ। राजबाला, ये सावन की बरखा की फुहार पड़ रही है, रात्रि का समय है, कम से कम 12-1 बजा होगा और ऐसी स्थिति में तुम्हारा कुछ भी कहना अच्छा नहीं है। कुछ भी मत कहो और सो जाओ, मैं तो ये चाहता हूँ। नहीं पियाजी, मेरी बात तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। तो सुनाओ। साजन मन की बात जी, सुने तो सुनाऊं साजन मन की बात जी। हे जी मेरे जोबन पे हम मैं कोई जोबन की उठे सही लोर ऊपर तेरी में जी होरी पर ठंडी ठंडी
लेकिन राजबाला, तुमने कभी उस शेर के बारे में नहीं सोचा होगा जो जंगल में किसी शिकारी के जाल में आ फंसा हो, या ध्रुव जैसा कोई भक्त परमात्मा से मिलने के लिए अपना जीवन निसार करने को तैयार हो, या कोई छत्री वचन देकर अपना सब कुछ गंवा बैठा हो। राजबाला, वो ही नर और नारी महान होते हैं जो धर्म पर चलते हैं, और मेरा भी रास्ता धर्म का रास्ता है। पियाजी, मैं तो तंग आ गई हूँ ये सुनते सुनते। ये आपका धर्म है, ये आपका कर्म है, ये तो एक भ्रम की बात है। ये सारी शिक्षाएं उसी पर असर करती हैं पियाजी, जिसने सांसारिक सभी उचित भोगों की तृप्ति कर ली हो। श्रवण करते करते मैं तो व्यथित हो गई हूँ, व्यथित हृदय हूँ पियाजी। शायद 10-20 साल बाद आप ये कर्ज ब्याज सही चुकता कर दोगे और सेठ भी दिल में संतोष प्राप्त कर लेगा। आपको ये बात पूर्ण संतुष्टि दे देगी कि शादी करके मेरे भी स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंची और मैं गर्व से सर उठाकर चल सकता हूँ। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि ये मेरी जवान अवस्था के 20 साल जो पतझड़ में गुजर जाएंगे, क्या फिर इस बगीचे में बसंत आ सकता है? जब वृद्धावस्था का दौर शुरू हो जाएगा, इसलिए हे परमेश्वर रूपी पति, कुछ सोचो, कुछ ध्यान से सुनो जो मैं कहती हूँ। सुनो पियाजी। लेकिन मेरी बात भी प्रिय, ध्यान से ही सुनो। सुना दो पियाजी। उठे से ही लोर मन हो रहा बेईमान सा, चुपकी हो कै सो जा बाला, बात मेरी मान जा, बात मेरी मान जा। उठ सही लोर मन हो रहा बेईमान सा, डांट लिए छाल मन हो रहा परेशान सा। चुपकी हो कै सो जा बाला, बात मेरी मान जा, बात मेरी मान जा। मन में धार ले समय ना आया प्यार का, मरद काडी गावे सत फर्ज नहीं ये नार का। पिया पास है तो इंतजार क्यों करूं, पहली पहली रात है तो धीर क्यों धरूं। पिया पास है तो इंतजार क्यों करूं, पहली पहली रात है तो धीर क्यों करूं। रुक ले पहार की अलग मेरी जान जा, मत ना फेल करिए बाला, मत ना फेल करिए मेरा समय से इम्तिहान का, समय से इम्तिहान का। उठ से ही लोर मन हो रहा बेईमान सा, डांट लिए छाल मन हो रहा परेशान सा। इष्ट के जनून में तू
करे मत गलती, इश्क के जनून में करे मत गलती, तन की तरसना रात दिन फिरे जग को छलती, तन की तरसना रात दिन फिरे जग को छलती। जो बनता है जोश कुछ पेश ना चले, बरखा की फुहार में भी अग्नि नहीं जले, जो बनता है जोश कुछ पेश ना चले, बरखा की फुहार में भी अग्नि नहीं जले। हो जानी मस्तानी मचले, जानी मस्तानी मचले, कुछ तो कर ले ध्यान सा, कुछ तो कर ले ध्यान सा। चुपकी हो के सो जा बाला, चुपकी हो के सो जा बाला, बात मेरी मान जा, बात मेरी मान जा। उठ सही लोर मन हो रहा बेईमान सा, डांट ली छाल मन हो रहा परेशान सा। लगे जान से भी प्यारी, इच्छा पूरी कर दूंगा थोड़ी सी लाचारी, तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा थोड़ी सी लाचारी। प्यारी लागू तो तू पिया पास मेरिया, लाचारी को छोड़ पिया गली लग जा, प्यारी लागू तो तू पिया पास मेरिया, लाचारी को छोड़ पिया गली लग जा, जो बन के अंगूर लगे आज मेरी जान खा। धीरे धीरे बोल बाला, धीरे धीरे बोल बाला, सुन लेगा कोई कान ला, सुन लेगा कोई कान ला। उठ सही लोर मन हो रहा बेईमान सा, डांट ली छाल मन हो रहा परेशान सा। बरसूंगा समय नहीं आया, इंदर बन के बरसूंगा पर समय नहीं आया, लाला जी का कर्ज भी गया ना चुकाया, लाला जी का कर्ज भी गया ना चुकाया। जो ना प्यारी लग तो तुम्हारे दे कटारी, प्यारी लग तो तू मेरी काट दे बीमारी, जो ना प्यारी लग तो सुन के बात करम पाल का, सुन के बात करम पाल का, डिगे सही मान सा, डिगे सही मान सा। उठ सही लोर मन हो रहा बेईमान सा, डांट ली छाल मन हो रहा परेशान सा। हो चुपकी हो के सो जा बाला, चुपकी हो के सो जा बाला, बात मेरी मान जा, बात मेरी मान जा।